हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ आईटी वैकेंसी के बारे में, जो कि है बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हुए हैं, यानी कि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं या फिर बीसीए बीएससी आईटी का, तो आपके लिए टेक्निकल के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी का जॉब रोल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अपार्ट ऑफ दिस, अगर आप एनी ग्रेजुएट हैं, यानी कि आप आईटी फील्ड से नहीं हैं, फिर भी आपके लिए वैकेंसी है, आप भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसी सब वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वैकेंसी है जो वो है एएमडी। एएमडी जो है कंपनी, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए हायरिंग कर रहा, और इसमें मेन ये बात है, अगर आपके पास ग्राफिक्स नॉलेज है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक्स नॉलेज के साथ साथ आपके पास एक्सेलेंट सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी स्किल्स होना चाहिए, और कुछ कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है, आप वो सब डिटेल्स में देख सकते हैं। और अगर डिग्री का बात करें तो इसमें आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और सिमिलर कोई भी डिग्री है आपके पास इससे रिलेवेंट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डेडलाइन और कोई यहाँ पे सैलरी भी उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो आपका इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा कि आपका इसमें क्या है पैकेज। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हम सदरलैंड का। सदरलैंड जो है ये लगभग 36 ईयर ओल्ड कंपनी है, और ये जो हायरिंग कर रही है वो कर रही है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। ये काफ़ी अच्छा है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा रोल, और इसमें अलग अलग है, जैसे बी ई बी टेक है, सी एस सी यानी कंप्यूटर साइंस है, या फिर आई टी से हैं, बी एस सी कंप्यूटर से हैं, बी सी एम सी ए। तो इसमें आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा जॉब रोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी ई बी टेक और एम सी ए बी सी ए सबको एक साथ हायरिंग कर रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन ऐसा करके नहीं रखा है कि कौन सा स्किल्स चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर, इंटरव्यू आपका कैसा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका जॉब रोल और आपका जो पैकेज है उसी पे आपको मिलेगा। तो ये था टेक्निकल के लिए। और एक और है नॉन टेक्निकल के लिए, जिसमें कि है डेलॉइट है, वो हायरिंग कर रही है दोनों के लिए, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, इसमें आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये सपोर्ट रोल के लिए है, तो कॉल एटिकेट्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास यानी कॉल एटिकेट्स का नॉलेज है, या फिर आप आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर फ्रेशर भी हैं, तो चैट प्रोसेस या ईमेल सपोर्ट रोल के लिए इसमें आपका हो जाएगा। कोई भी डिग्री हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपके पास एमएस ऑफिस या फिर कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अलग रोल है कि आपका ट्रबल शूटिंग का या फिर टेस्टिंग का जो भी हो उसमें भी आपको दे दिया जाएगा। यहाँ ASP.NET का है, सी शार्प का है, यहाँ पे कुछ कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा, और क्वालिफिकेशन में उन्होंने शिफ्ट मेंशन करके रखा कि आपको जो रोटेटिंग शिफ्ट जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और डिग्री का बात करें तो एनी ग्रेजुएट है, आपका जो भी है अप्लाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप किस जॉब रोल के लिए परफेक्ट हैं। तो इस वीडियो में यही था, तीन वैकेंसी था, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। टोटल अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।